गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले इसमें है टर्म्स टू रिमेम्बर। टर्म्स टू रिमेम्बर में जैसे कि सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच इंटरैक्ट फिजिकली। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में द फोर्स विच इंटरैक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से भी ये फोर्स काम करता है। रिजल्टेंट फोर्स, सिंगल फोर्स इक्वली टू द नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बैलेंस फोर्स, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। इसी तरह से अनबैलेंस फोर्स में, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे अगर कोई फोर्स लग रहा है और उसका रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो आता है तो आपका बैलेंस हो गया, अगर जीरो नहीं आता है तो वो आपका अनबैलेंस फोर्स हो गया। फ्लूड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स, मतलब गैसेज एंड लिक्विड्स को कलेक्टिवली लाकर हम फ्लूड्स कहते हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो हमारी डिफाइंस हो गई हैं। अब इसके बाद सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फोर्स, अ पुश और अ पुल। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर एफ, कैपिटल एफ से। फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी बॉडी क्या करती है, मूव कर जाएगी। अगर आप उसको पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में आ जाती है, इसी को हम फोर्स कहते हैं और इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और जिस दिशा में बॉडी पर, जैसे कोई बॉडी है उस पर हम जिस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टू काइंड्स होती हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक डिस्टेंस से काम करता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी पुल्ड और पुश्ड देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं तो जैसे हमारा हैंड है और जो भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो जाएगा। सपोज एक चेयर है, चेयर को हमने पुल किया तो हमारे हैंड और चेयर के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स में, किकिंग ऑफ अ फुटबॉल, पुलिंग और स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, पुलिंग अ कार्ट। ये सारे एग्जांपल आपको दिख रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, तो ये सारे क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। सम टिपिकल कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर डिस्क्राइब बिलो। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका सबसे पहले आ रहा है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वी यूज आर मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, किकिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। एनिमल एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू हैवी वर्क सच एज पुलिंग कार्ट, गाड़ी खींचनी होती है उनको, प्लोइंग, कैरिंग हैवी लोड्स, वजन उठाना पड़ता है, तो वहाँ पर एनिमल्स की मसल्स का यूज़ बताया कि कहाँ कहाँ पर मस्कुलर फोर्स लगाते हैं एनिमल्स। और ह्यूमन के केस में अगर बोला जाए जैसे वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, किकिंग करना है, चीज़ों को उठाना है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। देन फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स
द फोर्स बिटवीन टू सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट विच अपोजिस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये दो सर्फेस जब कॉन्टेक्ट में होंगी उनके बीच में ये तो फोर्स ये काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। जब दो सर्फेस आपस में कॉन्टेक्ट में होती हैं वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन से काम करता है, मतलब सामने की तरफ से एक बॉडी पे काम करेगा। देखिए इसको समझाने के लिए ये एक्टिविटी, ये आपको एक सर्फेस दिखाई दे रही है, इस पर डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए एरो के थ्रू दिखाई, डायरेक्शन ऑफ मोशन एक बॉल है जो आगे रोल करती हुई जा रही है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि आगे से पीछे की तरफ लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप। जब हम किसी बॉल को रोल कराते हैं जमीन पे, धीमे धीमे स्लो होती है और वो जाके फाइनली रुक जाती है। वाई डज दिस रोलिंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस? इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। जमीन और बॉल की सरफेस आपस में क्या है, टच में है, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है रोल करती हुई बॉल को आगे की तरफ से रोकने की कोशिश करेगा, और इसी तरह से बॉल स्लो होकर धीमे धीमे स्टॉप हो जाएगी एक डिस्टेंस पर जाकर। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट में हमने एक तो मस्कुलर फोर्स पढ़ा, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा। अब हमारे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आते हैं जिसको कि हम एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। द फोर्स विच कैन एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जो एक्चुअल में कॉन्टेक्ट की यहाँ जरूरत नहीं होती है, ये एक डिस्टेंस से भी काम कर सकता है। नॉन कॉन्टेक्ट के एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनको हम आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स में क्या है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जा रहा है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, आपको पता ही है कि मैग्नेट जो है एक डिस्टेंस से एक दूसरे मैग्नेट को या जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अट्रैक्ट कर लेती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज बॉडी ड्यू टू विच दे रिपल और अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कोई दो बॉडीज हैं उनके बीच में दो चार्ज बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज मतलब उन पर कोई ना कोई चार्ज है, जिसमें कह रहे हैं कि एक चार्ज बॉडी है और दूसरी जो है अनचार्ज बॉडी है, उनके बीच में जो फोर्स है जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, या तो रिपल, रिपल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर करना, और अट्रैक्ट एक दूसरे को पास में लाना। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, वन चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से ये रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह का फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। देखिए ऊपर ये डायग्राम था मैग्नेट वाला, उसमें दिखाया है, जैसे आपको पता ही है अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल अगर हम पास में लाते हैं तो ये रिपल्शन कर रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं, और अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर दो डिफरेंट पोल्स को हम पास में लाते हैं तो यहाँ पर अट्रैक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर एक मैंने एक्टिविटी दिखाई है, ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप पिक्चर में देख रहे हैं एक ही प्लास्टिक कोम है, और ये एक्टिविटी ज्यादातर सब लोग करते ही हैं छोटे जब होते हैं, तो इसमें बिट्स ऑफ पेपर है, ये देखिए एक डिस्टेंस से इनको अट्रैक्ट कर रहा है। रब प्लास्टिक पेन और कोम इन टू योर ड्राई हेयर एंड देन होल्ड इट नियर सम टाइनी पीसेस ऑफ पेपर। वॉट हैपन्स, द टाइनी पीसेस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द प्लास्टिक पेन और कोम, अट्रैक्ट हो जाएंगे, द टाइनी पीसेस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड ड्यू टू द फोर्स
एग्जर्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो पीछे चार्ज की बात हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोम को जब आपने रद्द किया था तो इस पर एक टेम्परेरी चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो बिट्स ऑफ पेपर हैं ये इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स पजेसिंग मास इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और साथ में क्या है मास, पजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बुक्स, बिटवीन अ बुक एंड अ टेबल, बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, बिटवीन अर्थ एंड मून एक्सेट्रा, ये सारे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स को शो कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अर्थ हैज अ ह्यूज मास सो इट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। आपको पता है कि अर्थ की तरफ काफी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। दैट इज वाई अ बॉल थ्रो अपवर्ड अल्टीमेटली कम्स डाउन, अ राइपेंड फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री फॉल्स डाउन टू द अर्थ। जब भी हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या है अर्थ की तरफ जाती है। पेड़ पर से पके हुए फल जो होते हैं जब वो गिरते हैं तो वो सीधा जमीन की तरफ आते हैं, वो भी क्या है ग्रेविटी की वजह से, यानी कि ग्रेविटेशनल की वजह से। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स में वेरियस यूनिट्स ऑफ फोर्स आर डिस्क्राइब बिलो। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यस, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और न्यूटन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसके अलावा कौन कौन सी और यूनिट हैं, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास 1 kg वर्टिकली इज कॉल्ड 1 kg फोर्स। जैसे कोई बॉडी है उसको आपने उठाना है, वर्टिकली उठाना है, और उसका मास दिया है 1 kg, तो उस 1 kg मास वाली बॉडी को लिफ्ट करने के लिए आपको जितना फोर्स चाहिए वो 1 kg फोर्स कहलाएगा, और इसको हम डिनोटेड करेंगे kgf से। इसी तरह से ग्राम फोर्स क्या है, सेम ही है बस मास का डिफरेंस है इसमें। द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास 1 gram वर्टिकली इज कॉल्ड 1 gram फोर्स। तो 1 gram मास वाली किसी बॉडी को वर्टिकली लिफ्ट कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, जो फोर्स की जरूरत है, वो आपका 1 gram फोर्स कहलाएगा, और इसको हम डिनोट करेंगे जी एफ से। तो अगर इनका हम रिलेशन देखें तो 1 kgf इक्वल्स टू 1000 gf, ठीक है, और 1 kg फोर्स इक्वल्स टू होता है 9.8 newton। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 newton। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन सॉल्विंग न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल वगैरह में हमें कैलकुलेशन का थोड़ा अगर ध्यान रखें तो 1 kgf इक्वल्स टू अप्रॉक्स ये 10 newton मान के चलते हैं, कैलकुलेशन वगैरह के लिए बोला है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक रिजल्टेंट फोर्स। इन मैनी सिचुएशन मोर देन वन फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एट द सेम टाइम। कई सिचुएशन ऐसी होती है कि एक बॉडी पर एक समय में एक से अधिक फोर्सेस काम करते हैं। ऑल दीज फोर्सेस कलेक्टिवली प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन द बॉडी एज इफ अ सिंगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। सच अ फोर्स, सिंगल फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरह का फोर्स क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे सपोज एक बॉल दिखाइए, इस बॉल पे ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये 2-3 तरह के फोर्सेस इसमें दिखाए हैं। तो एरो के थ्रू देखिए, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो अल्टीमेटली जो इसका एक तरीके से हम ये बोलेंगे ना कि रिजल्टेंट फोर्स, सारे फोर्सेस को मिलाकर जो कलेक्टिव इसका आउटपुट आएगा
कि बॉल एक्चुअल में क्या है, मूव तो एक ही डायरेक्शन में करेगी ना, हम सारे फोर्सेस को कलेक्ट कर देंगे और इस बॉल पे लगा रहे हैं, तो बॉल का डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ जाएगा ना, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। द रिजल्टेंट फोर्स मे बी डिफाइंड एज, इसकी डिफाइन देखिए, द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट एज डन बाय ऑल फोर्सेस कलेक्टिवली इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। एग्जाम्पल से देखो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन, सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन पर ध्यान देना है आपने। फर्स्ट पिक्चर में आप ये देखेंगे कि फर्स्ट बॉय है जो 100 न्यूटन से इस कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, इसको पुल कर रहा है, और इसके नीचे देखिए पिक्चर के नीचे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सेकंड बॉय आया, उसने क्या किया, 150 न्यूटन का फोर्स सेम डायरेक्शन में वो भी लगाएगा, जैसे कि सेकंड पिक्चर में दिखाया है। जब दोनों मिलकर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों का फोर्स जो है वो प्लस हो जाएगा, 100 फर्स्ट वाले बॉय का था और 150 जो है सेकंड वाले बॉय का था, तो टोटल कितना हो गया, 250, दोनों का प्लस हो गया फोर्स। प्लस होने से क्या होगा, कार्ट अब ज्यादा आसानी से मूव करेगी, देखिए। अरुण ऑफर्ड हिज हेल्प, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन, टुगेदर बोथ द फ्रेंड्स वर एबल टू मूव द कार्ट फास्टर। दिस इज बिकॉज व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शंस अलोंग द सेम लाइन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्स अब क्या है, टोटल फोर्स, दो फोर्स लगाए हुए थे उन्होंने, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, दोनों को मिलाकर सम ऑफ द टू फोर्सेस, तो दोनों को देखो हमने प्लस कर दिया है, 100 न्यूटन प्लस 150 न्यूटन इज इक्वल टू 250 न्यूटन। एज अ रिजल्ट ग्रेटर फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट, कार्ट पे अब ज्यादा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो मूव करेगी फास्टर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, वेन टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन पर है लेकिन अब डायरेक्शन है आपका ऑपोजिट, ऑपोजिट में अब देखिए ये एक बॉय है 250 न्यूटन फोर्स से ये कार्ट को पुश कर रहा है, अब सेकेंड बॉय ऑपोजिट साइड से आया, उसने 150 न्यूटन का फोर्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से लगा रहा है, तो इस केस में क्या होता है, दो फोर्स इसमें भी लग रहे हैं लेकिन अब लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरुण स्टार्ट पुशिंग द कार्ट विद द फोर्स इक्वल टू 150 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ श्याम कुड मूव इट ओनली स्लोली, दिस इज बिकॉज व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला जा रहा है, देखो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकाल के दोनों का, 250 न्यूटन में से हम 150 न्यूटन माइनस कर देंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा, द रिजल्टेंट फोर्स बींग स्मॉलर। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, पहले प्लस होने से रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल जो था वो बढ़ गया था, तो कार्ट ज्यादा मूव कर रही थी, यहां पर कार्ड क्या है, स्लोली मूव करेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन द टू इक्वल फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं और अवकर वो इक्वल हैं, जैसे यहां पर एक सर्कल दिखाया है, लेफ्ट साइड में भी कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है और राइट साइड में भी कैपिटल एफ लग रहा है, और ये दोनों फोर्स जो है इक्वल हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे अगर दो साइड से सेम फोर्स लगाए जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स जो उनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या है, जीरो। क्यों, एफ माइनस एफ इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वो इक्वल है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, देखिए, टू बॉयज पुल अ रोप फ्रॉम द टू एंड्स विद अ फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन ईच। दो बॉयज हैं और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का ऑपोजिट डायरेक्शन से,
रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 100 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन इक्वल्स आंसर क्या आएगा? 0 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई जैसे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो अगर हम उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 आ गया तो वो होगा बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट सेट एनी स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। अगर बैलेंस फोर्स है उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है? स्टेशनरी यानी कि जो रुकी हुई बॉडी होती है, खड़ी हुई ऑब्जेक्ट जो है, बैलेंस फोर्स से कोई भी स्टेशनरी बॉडी को मूव नहीं करा सकते हैं। कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी को की जो भी स्पीड है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है तो उसकी शेप एंड साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब है अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। वही सेम चीज है उसमें, यहां पर क्या है? 0 नहीं आएगा। अगर किसी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जब हम निकालेंगे और अगर वो 0 नहीं आता है तो इस तरह के फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स कहलाते हैं। और अनबैलेंस फोर्स कैन क्या क्या कर सकते हैं? सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये सेट कर सकते हैं, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। सेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मूव करती हुई ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन इसको भी चेंज ये कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इफेक्ट्स, फोर्स के इफेक्ट्स। देखिए डिटेल तो काफी है, मैं सिर्फ आपको इनकी मेन हेडिंग से ही बताऊंगी, बाकी पढ़ने के लिए आप इसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट, इसमें अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। फोर्स, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है तो उससे क्या है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। जैसे अगर कोई गाड़ी खड़ी है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो मूव कर सकती है। देखिए यहाँ सारे एग्जांपल है, व्हेन यू किक अ स्टेशनरी फुटबॉल इट मूव। जैसे कोई बॉल रखी है, आपने उसको किक किया, वो मूव कर जाएगी। अ फील्डर कैचेज अ मूविंग क्रिकेट बॉल टू स्टॉप इट मोशन। फील्डर ने मूव करती हुई बॉल को कैच कर लिया तो यानी कि उसका वो रुक गई, उसका मोशन स्टॉप हो गया। सेकंड है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? अ बैटमैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय टचिंग और स्ट्राइकिंग इट विद द बैट एट अ सुटेबल एंगल। क्रिकेट मैच आपने देखा ही होगा, जब बैट पे बॉल पड़ती है तो बैट्समैन उस बॉल को किसी भी डायरेक्शन में घुमाकर फेंक सकता है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। थर्ड है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में देखिए, व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज प्रेस्ड बिटवीन टू हैंड्स इट्स साइज चेंज। ये देखिए एग्जांपल में, ये है एक स्प्रिंग का एग्जांपल है। शेप ऑफ स्पंज चेंज ऑन प्रेसिंग, शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब चेंज ऑन स्क्वीजिंग, दबाने से जब हम पेस्ट निकालते हैं, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ये खुद रीड कर लेंगे। फोर है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम क्या करते हैं? मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकते हैं। अ फील्डर कैचेस अ मूविंग क्रिकेट बॉल टू स्टॉप इट्स मोशन, या फिर अ मूविंग साइकिल कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक। नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड। अगर हमें मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना है बाय पुशिंग इट इन
in the direction of its motion. The speed of a moving object is decreased, अगर उसको कम करना है, by pushing it in the direction of direction opposite to its motion. देखो अगर suppose example cycle है, cycle को अगर आपने, आप cycle चला रहे हो, तो अगर आपको cycle को fast करना है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी उसमें pedals मारोगे. और अगर आपको जैसे cycle चला रहे हो, आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी ना, स्लो हो जाएगी ना वो. अब ये देखो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें एक्शन और उसका रिजल्ट दिखाया है. तो फर्स्ट में देखिए, एरो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रही है और फोर्स भी उस ही डायरेक्शन में लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. सेकेंड वाली पिक्चर में ऑब्जेक्ट का मोशन देखिए और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट है प्रेशर. प्रेशर में देखिए, अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग अ फ्रूट देन अ ब्लंट नाइफ व्हेन यू स्टैंड ऑन अ मैट्रेसेस. मैट्रेसेस होता है गद्दा, इट्स सिंक, जब आप गद्दे के ऊपर खड़े होते हो तो वो थोड़ा सा दब जाता है, सिंक हो जाता है मच डीपर देन व्हेन यू लाई डाउन. अगर आप लेटे हुए हो तब उस कंडीशन में गद्दा जो है इतना प्रेस नहीं होता, बजाय इसके कि अगर आप उस पर खड़े हो जाते हो. ऑल दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फोर्स इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया. ये प्रेशर की डिफाइन है. प्रेशर का क्या मतलब है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. इसके बाद है यूनिट्स क्या क्या होती हैं. यूनिट ऑफ प्रेशर, द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पीए. 1 pascal equals to 1 newton per meter square. Gases and liquids are collectively called as fluid. जैसा कि define में हमने आगे discuss किया था कि gases और liquid को collectively हम क्या बोलते हैं, fluids कहते हैं. Both liquid और gases दोनों जो होती हैं वो क्या करती हैं, exert pressure. दोनों क्या है, pressure exert करती हैं. इसके बाद आता है हमारा पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ क्या है, प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ये पास्कल्स लॉ है. पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो प्रेशर किसी लिक्विड के ऊपर अगर प्रेशर लगाया जाता है तो वो ट्रांसमिट होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है ऑल डायरेक्शन में. कैसे, इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी है. Fill a thick polythene bag with water. Make several holes in the bag with a fine pin. Squeeze the bag gently. What do you see? Water streams out in all directions with equal force. This shows that the pressure applied at any point on an enclosed liquid gets transmitted equally in all directions. This statement is known as Pascal's law. ये आपका पास्कल्स लॉ है. इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बैरोमीटर, आर प्रेजेंट डे नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय ई टोरी सेली 1608 टू 1647. टोरी सेली मेड अ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकें, और उसका फिर नाम क्या रखा इन्होंने, सिंपल बैरोमीटर या मरकरी बैरोमीटर. ये देखिए ये इनकी पिक्चर है, पूरा नाम इनका ये है. इसके बाद ये एक्टिविटी बेटा मैंने छोड़ी हुई है, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे.
अनदर मर्करी बैरोमीटर इज 14th बैरोमीटर, या कुछ दूसरे बैरोमीटर के बारे में भी दिया हुआ है. तो अनदर मर्करी बैरोमीटर इज 14th बैरोमीटर. एंड्रॉइड बैरोमीटर डज नॉट एम्प्लॉय मर्करी, इसमें मर्करी नहीं होता है. इट इज अ डायरेक्ट रीडिंग बैरोमीटर. एटमोस्फेयरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, दैट इज इट डिक्रीजेज एज वी गो अप इन द एटमोस्फेयर. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो एटमोस्फेयरिक प्रेशर में क्या बोला गया, एटमोस्फेयरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम होता जाता है विद एल्टीट्यूड. दैट इज इट डिक्रीजेज एज, जैसे जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों पर जैसे जाते हैं. ऑन द अदर हैंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, डेप्थ यानी कि गहराई. दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि प्रेशर जो है अगर लिक्विड पे लगाया जाता है तो जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं वो प्रेशर क्या होता है, लिक्विड पर बढ़ता जाता है. देखो दो यहाँ अलग चीज कही है कि अगर हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है, और जब पानी के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो वो गहराई के साथ बढ़ता जाता है. ये दो चीजें यहाँ बोली गई हैं. देखिए मैं आपको इनके पिक्चर्स एक बार और बता देती हूँ. ये है 14th बैरोमीटर है ये, और ये है हमारा एंड्रॉइड बैरोमीटर. इस तरह के ये होते हैं. और ऊपर जो सिंपल बैरोमीटर था इसको मर्करी बैरोमीटर भी कहते हैं. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. और जो भी मैंने आपको इसमें मटेरियल दिया आपने डिटेल ढंग से पढ़नी है. मैंने आपके साथ जो है मेन मेन पॉइंट ही डिस्कस किए हैं. ओके, थैंक यू.